सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। पिछली वीडियो में मैं आपको पाठ पढ़ा रही थी जिसका नाम था तान और ताल। उसमें अकबर का दरबार लगा हुआ था, संगीत की सभा जमी हुई थी, अलग अलग स्थानों से कलाकार अपनी प्रस्तुति देने आए थे। आज मैं उसके आगे पढ़ा रही हूँ। अकबर और बीरबल अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। अकबर बोलते हैं, आज वाकई दरबार में बहार आ गई, क्या और भी कलाकार हैं। यानी एक कलाकार ने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी कि अकबर ने उसकी प्रशंसा की। तो अकबर कहते हैं कि आज वाकई दरबार में क्या आ गई, बहार आ गई, रौनक आ गई, क्या और भी कलाकार हैं, मतलब अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो बीरबल कहते हैं, आगरा से जफर साहब भी हाजिर हुए हैं, यानी वो भी अपनी प्रस्तुति देने के लिए आगरा से आए हैं, जिनका नाम जफर साहब है। अकबर, उन्हें पेश किया जाए। जफर का गायन शुरू होता है। कलाकार उतने मजे हुए नहीं हैं, कहीं ताल ठीक नहीं बैठता तो कहीं स्वर बेसुरे हो जाते हैं, पर दर्शक दरबारी वैसे ही विभोर हैं। यानी कलाकार उतने मजे हुए नहीं हैं, मतलब उनकी ना तो कोई ताल बैठ रही है ना कोई स्वर है, वो बेसुरे लग रहे हैं, और दर्शक दरबारी ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि आनंद मग्न हो गए हैं। कोई ताल देता है तो कोई झूमता है। बेसुरे गायन और दर्शकों की ऊट पटंग प्रतिक्रिया पर बादशाह के चेहरे पर झुंझलाहट आ जाती है। यानी वो जो गायन कर रहा है, जफर साहब जो गायन गा रहे हैं, तो उनसे बेसुरे गायन और दर्शकों की जो ऊट पटंग प्रतिक्रिया, उससे बादशाह के चेहरे पर झुंझला जाती है, गुस्सा आ जाता है। बीरबल की नजर बादशाह पर है। वे चिंतित हो उठते हैं कि बेसुरे संगीत ने जहांपनाह को परेशान कर दिया। यानी वो इतना बेसुरा गा रहा था कि जहांपनाह को परेशान करके रख दिया। तो बीरबल धीमे से बुदबुदाते हैं, यह कैसी बला आ गई, गाना रोकना होगा, पर कैसे। एक सेवक को इशारे से बुलाते हैं और उसके कान में कुछ कहते हैं। यानी वो जफर साहब इतना बेसुरा गा रहे थे कि कैसे भी इस गाने को रोकना होगा, और किसी सेवक को इशारे से बुलाते हैं, उसके कान में कुछ कहते हैं। सेवक धीरे से, जो हुक्म सरकार, अभी लाता हूँ। कुछ देर बाद सेवक थाली में लड्डू लाता है, दर्शकों में बांटता है। सब दाद भूल लड्डुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी सब जफर साहब की प्रशंसा करने की बजाय सबका ध्यान लड्डुओं पर चला जाता है। गायक ऊंचा आलाप लेने के लिए पूरा मुंह खोलता है कि गप से सेवक मुंह में लड्डू ठूंस देता है। जैसे ही वो गायक ऊंचे स्वर में अपना मुंह पूरा खोल देता है, वैसे ही गप से सेवक जो है वो मुंह में लड्डू ठूंस देता है। तो गायक कहता है, ए यह क्या, खाने लगता है और गाना बंद हो जाता है। तो बीरबल कहते हैं, वाह वाह बहुत खूब, जोर से ताली बजाते हैं, यानी उसकी प्रशंसा करते हैं। और गायक लड्डू भरे मुंह से, पर अभी खत्म नहीं ओम, यानी वो कहना चाहता है कि लेकिन अभी तो गाना खत्म ही नहीं हुआ। तालियों की गड़गड़ाहट में उसकी आवाज डूब जाती है। बीरबल उठ जाते हैं, अन्य दर्शक दरबारी भी खड़े हो जाते हैं। यानी तालियों की, इतने लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से उसकी आवाज जो है कोई सुनता नहीं है। बीरबल उठ जाते हैं, अन्य जो दर्शक दरबारी जो बैठे हुए हैं वहां पर सभी खड़े हो जाते हैं। तो आज यहीं तक के लिए काफी है। धन्यवाद।